मैं हूँ रंजक। तो मेरे पास ये पोको C51 की हैंडसेट है। तो उसको देखिए तो कैसे उसका फैक्ट्री रिसेट करूँगा वो अपना डिटेल्स में बताऊँगा। उससे पहले जो मैं चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगे लाइक जरूर दे दे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पोको C51 की हैंडसेट है तो दोस्तों उसको आपको फैक्ट्री सेट करना हो तो पहले यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे रोलिंग करना है और आपके यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, आप सब कुछ नीचे का जो ऑप्शन होता है सिस्टम के ऑप्शन है तो आप उसको यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी रिसेट ऑप्शन आ चुका है तो रिसेट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये देखिए आपकी सेटअप आ चुका है। उसके बाद इरेज ऑल डाटा, फिर से इरेज ऑल डाटा, तो यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट हो गया है। तो उसके बाद आपके फ़ोन ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके फ़ोन पे नया सेटअप भी आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगा था ये लाइक ज़रूर दे दीजिए। ये देखिए आपके फ़ोन यहाँ पर इरेज भी ले गया है और उसके बाद फिर से यहाँ पर रिबूट भी हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसकी जो डॉट है वो भी आ रहा है, उसका ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगा लाइक ज़रूर दे दीजिए। ये स्टार्टअप होने के लिए कुछ टाइम भी लगता है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट भी कभी कभी लग जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर वेट भी करना होगा। ये देखिए आपकी सेटअप आ चुका है, आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट भी जा सकते हैं, इस तरह बैक भी जाना है। तो फिर जो समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर दे दीजिए। तो ये था हमारे पोको C51 की फैक्ट्री रिसेट या रिसेट के सॉल्यूशन।